सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA इन शॉर्ट एडमिशन प्रोसेस 2022 एंड 2023 के बारे में। गाइज तो बेसिकली गाइज जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है MCA के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। गाइज ठीक है, सेम उसी तरीके से आज भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि आज जो आपका कैपराउंड 2 का था गाइस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट था, राइट। और क्योंकि आज जो कैपराउंड 2 का अलॉटमेंट डिस्प्ले होने वाला था गाइस, अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो, ठीक है। और आपने कैपराउंड 2 के लिए ऑप्शंस फॉर्म को फिलअप किया होगा गाइस, ठीक है। और अगर मैंने पूरे वेबसाइट में चेक किया है तो अभी तक जो आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं है गाइस, ठीक है। हाँ, अगर आपके लॉगिन आईडी पे आ गया होगा तो बात अलग है, लेकिन जिन बच्चों ने लॉगिन नहीं किया होगा, जिन बच्चों ने डायरेक्टली ऊपर से देखा होगा गाइस, ठीक है, तो अभी तक उनके नहीं आए हुए हैं लिस्ट, ठीक है। अलॉटमेंट जो लिस्ट आने वाला था वो अभी तक डिस्प्ले नहीं किया गया। तो जैसे आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हो, फर्स्ट वन की आज 4 नवंबर है गाइस, और बेसिकली आपको डिस्प्ले होने वाला था प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट। और कल से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन का। और यहाँ पे आपके दो तरीके के एडमिशन प्रोसेस सामने आते हैं गाइस, दिखाई देते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि आपको जो सीट मिल गई है वो कॉलेज की सीट को एक्सेप्टेड कर लो, वहाँ पे फीस सबमिट कर दो, डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने एडमिशंस कंफर्म कर लो। नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस होता है गाइस, वो होता है बेटरमेंट के लिए, यानी कि आपने जो प्रेफरेंसेबल कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आता है, आपको दूसरे कॉलेज में फिर जाना पड़ेगा, यानी कि आप फिर वेट करोगे या फिर बेटरमेंट पे जाओगे और आपके जो प्रेफरेंसेबल कॉलेज है आप उसके अंदर जाओगे, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो कैपराउंड 2 के बाद कैपराउंड 3 का एक लास्ट प्रोसेस है, जिन बच्चों को प्रेफरेंसेबल कॉलेजेस नहीं मिले हैं वो कैपराउंड 3 में वेट कर सकते हैं गाइस। अगर एक बार आपको प्रेफरेंसेबल कॉलेज मिल जाते हैं तो आप उसमें अपने एडमिशंस कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ कैपराउंड 3 बचा हुआ है, उसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, राइट। और बेटरमेंट में जो जाते हैं बच्चे उनको आपको एडमिशन फीस देना पड़ता है 1000, ठीक है, मतलब सीट कंफर्मेशन के लिए आपको सीट कंफर्म करना होता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं या बच्चे सीट एक्सेप्टेड करके अपने एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं, उनका एडमिशन पूरा कैंसिल कर दिया जाता है और वो सीधा कैपराउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब जिनका नाम आया और जिन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है तो उनको उनका पूरा एडमिशन कैंसिल कर देते हैं और फिर उनको कैपराउंड 3 के लिए भेज देते हैं। फिर से उनको कॉलेजेस फिलअप करने पड़ते हैं, ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, एंड देन वेट करना पड़ता है लिस्ट का। तो आप लापरवाही नहीं कीजिए, ठीक है, लेजीनेस को दूर कीजिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए गाइस, ठीक है, अगर कल से। हाँ, अभी तो आपका अलॉटमेंट लिस्ट है, तो गाइस चलिए आते हैं अभी अलॉटमेंट लिस्ट पे, ठीक है। तो आपको आना है होम पेज पे, और या तो आप अपने लॉगिन आईडी से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखते हो कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पे पूरा अपडेट आता है गाइस, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, जो कि लास्ट अपडेट है 30 अक्टूबर का गाइस, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर दिया हूँ, जो भी यहाँ पे 30 तक का ही आ रहा है, यहाँ पे अभी कोई भी अलॉटमेंट का अपडेट सामने नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने इसको अलॉटमेंट में भी जाके चेक कर लिया हुआ है गाइस, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि जो कैपराउंड 1 के अलॉटमेंट थे वो यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक हो रहे, ठीक है, लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगा गाइस, क्योंकि इसको अभी पूरा ब्लॉक कर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं विद्या भारती, ठीक है, या तो संत गाड़गे बाबा अमरावती का जो कॉलेज है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो गया, पहले मैंने ओपन किया था नहीं हुआ था, अभी ओपन हो गया। ये कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट था गाइस, ठीक है, 2022 एंड 2023 का पूरा प्रोसेस का ये चार्ट है गाइस, पूरा लिस्ट है यहाँ पे कितने, इसमें सब कुछ है बताया हुआ है। लेकिन कैपराउंड 2 का अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं आया गाइस, ठीक है, यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं दिया हुआ है, आप इसी तो सारे कॉलेजेस में कोई लिंक नहीं आए हुए, ठीक है। अराउंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 105 कॉलेजेस है गाइस, ठीक है, अभी तक यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिंक ओपन नहीं हुआ है, मतलब अभी तक आपका अलॉटमेंट लिस्ट को डिस्प्ले नहीं किया गया गाइस, तो ये कब तक आएगा, ठीक है। अभी भी टाइम है गाइस, दिन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कि डेट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं रात के, लेट्स सी अभी 3 घंटा भी है क्या होता है, अलॉटमेंट लिस्ट अभी आएगा कि मॉर्निंग में आएगा, ठीक है, ये देखना है अभी, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जैसे मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ आपको पता चल जाए कि लिस्ट आ चुका हुआ है, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। बस आपको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक
देखिए गाइस, तो अभी तक लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप अपने लॉगिन आईडी से भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि आपके कॉलेजेस कब से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपके कॉलेज भी यहाँ पे ओपन होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली खत्म हो गया गाइस, और आपका कैप राउंड वन का और टू का अभी तक एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हुआ। कैप राउंड वन तो हो गया, कैप राउंड टू का नहीं हुआ, ठीक है। जिन बच्चों का कैप राउंड टू का एडमिशन हो जाएगा, उनके बाद फिर आपका कॉलेज का भी एडमिशन चालू हो जाएगा, मतलब कॉलेज की जो लेक्चर्स होते हैं वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सब इंस्टीट्यूट यहाँ से अपने कमेंटमेंट अपनी जो एक्टिविटीज है कॉलेज की वो स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनके लेक्चर जो भी है, ठीक है, सब कुछ वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 9 नवंबर से आपके कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा तो नाम आया ही नहीं है, ठीक है, और कैप राउंड 3 तो अभी तक खत्म हुआ नहीं, क्योंकि कैप राउंड 3 खत्म होने वाले 21 को, तो अब क्या करना है। तो जिनका सिलेबस छूट जाएगा क्लास, ठीक है, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम ही नहीं आया था। क्योंकि कैप राउंड 3 का प्रोसेस देख सकते हो कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है, सॉरी ऑप्शन फॉर्म्स है, वो 9 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, और 9 नवंबर से आपकी कॉलेज की भी स्टार्ट होने वाली है। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आएगा, ठीक है, उनके जितने भी दिन के पोर्शन है वो लीव हो जाएंगे, ठीक है, उनको कॉलेज फिर से रिपीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो कॉलेज पे डिपेंड है कि कॉलेज कैसे है उसको हैंडल करता है, राइट ना। तो ये यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गाइस। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि अभी तक आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट का लिस्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं किया गया है, ठीक है। 105 कॉलेज है, ठीक है, 105 कॉलेजेस है गाइस, ठीक है। अभी तक उन्होंने कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। जैसे कोई डिस्प्ले होता है गाइस, तो डेफिनेटली मैं आप तक अपडेट देता हूँ। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।